हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के ऐसे स्टेट पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 61 से 70। क्वेश्चन नंबर 61 है, ड्यूरिंग फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सपेरिमेंट द मैकेनिकल एफर्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट नियर अ कोयल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी विद इन द कोयल। द फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। देखो पहले कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कोयल है इस तरह से, और उस पर हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस कोयल के पास में अगर मैं मान लीजिए मैग्नेट को ले जा रहा हूँ, तो मुझे मैग्नेट को ले जाने के लिए कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा होगा। अब होगा ये कि ये जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसके थ्रू, ये जो लूप है इसके थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस लूप में एक करंट इंड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। और इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें बताई थी लेंज लॉ ने कि ये जो इंड्यूस करंट होता है वो इस तरह की डायरेक्शन में होगा कि वो चेंज का अपोज करे, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप नॉर्थ पोल को इस तरफ ला रहे हो तो इसमें करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल को पास नहीं आने देगा, रिपेल करेगा, ठीक है, यानी कि अपोज करेगा। तभी तो अपोज कब कर पाए, जब यहाँ पर भी नॉर्थ पोल आ जाए। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है वो लेंज लॉ ने बताई थी, और जो आप मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो इसको इधर लाने के लिए, वो एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, एक तो लेंज लॉ, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारा सही आंसर होगा लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड होता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसमें नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको बता दूं मैं फेराडेज लॉ मैंने क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि फेराडेज लॉ तो उसका मैग्नीट्यूड बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा जो ईएमएफ जनरेट होगा, तो डी फाइव अपॉन डी टी, ठीक है, ईएमएफ बराबर होगा डी फाइव अपॉन डी टी। लेकिन माइनस साइन बताया था लेंज लॉ ने कि माइनस साइन इसलिए आता है कि जो भी करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करे। तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था फेराडेज लॉ ने, और जो साइन बताया था नेगेटिव साइन या डायरेक्शन ऑफ करंट, वो बताया था लेंज लॉ ने। क्वेश्चन नंबर 62, लाइट एमिटिंग पीएन जंक्शन डायोड, सॉरी पीएन जंक्शन कैन आल्सो बी मेड टू एमिट एंड दस कैन सर्व एज अ लेजर। देखो अगर आप लेजर की फुल फॉर्म देखो ना, तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट, पहले इसको मैं लिख देता हूँ एल ए एस ई आर, लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्यूलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये फुल फॉर्म है रेडिएशन की, सॉरी लेजर की। तो इसमें हम स्टिम्युलेटेड एमिशन का यूज करते हैं। स्टिम्युलेटेड एमिशन का मतलब ये है कि जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्साइटेड स्टेट में, उनको हम स्टिम्युलेट करवा करके एनर्जी देंगे फोटोन से, और फिर स्टिम्युलेट होकर के वो ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं, लोअर लेवल पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्टिम्युलेटेड एमिशन हमें करवाता है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, स्टिम्युलेटेड, स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होगा, स्टिम्युलेटेड एमिशन, यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा, फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, स्टिम्युलेटेड एमिशन होता है लेजर में। क्वेश्चन नंबर 63, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस किस तरह की होगी, ये आपको बताना है। तो पहले एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं इस तरह से। अब पहले मैंने रे डायग्राम बना लिया, तो मान लो फोकस पर है, तो फोकस से जो लाइट रे जाएगी कुछ इस तरह से जाएगी, और बाद में हो जाएंगी पैरेलल। तो देखो वेव फ्रंट और रे की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो रेज के परपेंडिकुलर होते हैं, रेज और वेव फ्रंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब रेज तो इस तरफ है, तो जो आप यहाँ पर वेव फ्रंट देखोगे वो इन रेज के परपेंडिकुलर होगा, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, और इसकी जो शेप होगी इट विल बी लाइक अ, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल रेज है, तो इट विल बी लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट। तो हमारा सही आंसर होगा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अगर मान लेते इसका अपोजिट होता, अगर मान लीजिए इन्फिनिटी से रेज आती हैं और फोकस पर आकर के इमर्ज होती है, तब वो इस तरह का बनता, कॉनकेव शेप का, या तब वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। मान लो तो मैं इसको बना कर दिखा देता हूँ,
अगर इसका अपोजिट होता तो मतलब इन्फिनिटी से रेज आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, बाद में फोकस पे जाएगी, तो बाद में यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद में इसका जो वेव फ्रंट होता तब रहेगा कन्वर्जिंग, मतलब ये एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो रही है ना, तो उस पॉइंट पर रहता है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, तो तब हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही रहता है, लेकिन अभी क्योंकि फोकस से पैरेलल हो रही है बाद में रिफ्रैक्शन के बाद में, इसलिए प्लेन वेव फ्रंट हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फेयर कितना होगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ ग्लास स्फेयर पर रखा हुआ है। देखो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, जब भी यहाँ पर लेंस तो है नहीं, ग्लास सरफेस है, तो उसके लिए मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा, देखो दो फॉर्मूला होते हैं, मैं समझाऊंगा यहाँ पर हम कौन से यूज करेंगे। पहला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देखो जब रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर से डेंसर मीडियम में, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर, और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर से रेयर मीडियम में, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू वन अपॉन में वी माइनस म्यू टू अपॉन में यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी टेंसर मीडियम के अंदर रखा हुआ है, तो म्यू वन यहाँ पर हो जाएगा 1 एयर के लिए क्योंकि एयर है बाहर, अपॉन में वी हमें निकालना है माइनस म्यू टू की वैल्यू 1.5, अपॉन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वो सेंटर पर रखा हुआ है, म्यू वन माइनस म्यू टू यानी कि 1 माइनस के 0.5, अपॉन में ये हो जाएगा आर, आर कितना है अपने पास 8, ठीक है ये 1 अपॉन वी, इसको आप इधर ले जाओ तो 1.5 अपॉन 8 हो जाएगा, और ये 1 माइनस के 1.5 तो -के 0.5 बचेगा अपॉन में 8, फिर 1.5 नीचे 8 आ जाएगा, 1.5 माइनस 0.5 सो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 8, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 65 है, अ मास ऑफ विद वेलोसिटी यू एट 30 डिग्री हॉरिजेंटल एंड अनदर बॉडी बी ऑफ सेम मास इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेम वेलोसिटी, आपको बताना है कि उनकी हॉरिजेंटल रेंज का रेशियो कितना होगा। तो देखो आर ए अपॉन आर बी हमें फाइंड करना है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है, मान लो कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है इस तरह से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर अपॉन में 2g साइन स्क्वेयर थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। फिलहाल रेंज की बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है मतलब रेंज यू स्क्वेयर पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है साइन टू थीटा पर, यहाँ पर तो यू और जी तो दोनों के लिए सेम होगा, तो आर ए अपॉन आर बी किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा, इसको ए बोल देते हैं और इसको बी। अब पहले मैं इसको सोल्व करने से पहले कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, कंसेप्ट ये है कि मान लो आप दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो, सच दैट कि एक का एंगल है θ1 और एक का एंगल है θ2, और उन दोनों को एंगल मिला करके उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ जाता है, तो उनकी जो रेंज होगी ना R1 वो बराबर होगी R2 के। ठीक है, ये कंसेप्ट इसके इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए तो उनकी रेंज इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर आप एक देखो, एक 30 डिग्री है दूसरा 60 डिग्री है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करो तो 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि उनकी जो रेंज आएगी वो इक्वल आएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए 4 यानी कि 1:1। इसके अलावा मैं आपको इससे भी बता देता हूँ कि 1:1 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो 2 into θ1 कितना है 30 डिग्री अपॉन sin 2 into 60 डिग्री, तो आ जाएगा साइन ये हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन में साइन 6 × 12 120 डिग्री, ठीक है ये इसको आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 120 का अगर नहीं पता तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो साइन 90 + 30 डिग्री, तो ये तो √3/2 आ गया। साइन 90 + 30 डिग्री कितना हो जाएगा साइन सॉरी cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वही वैल्यू होती है जो कि साइन 60 की होती है यानी कि √3/2, तो ऐसे भी करोगे तब भी 1/1 ही आएगा आंसर, तो रेशो आ जाएगा 1:1। तो इससे ये सब करने से बेहतर है कि आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखो कि जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री के इक्वल आ रहा हो तो उनकी जो रेंज होगी वो इक्वल होगी, तो उससे तुरंत आंसर आप लगा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66, इफ ए स्प्रिंग ऑफ मास 20 kg हैज ए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 5 न्यूटन पर मीटर, तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड उसका कितना हो जाएगा। देखो, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैं बात करूं तो मास इंटू एक्सीलेशन बराबर होता है माइनस के एक्स के। एक्सीलेशन को आप t²x/dt² लिख सकते हैं, तो d²x/dt² इंटू में m। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आपको बता रहा हूँ, तो ये d²x/dt² बराबर आ जाता है माइनस के k/m में m इंटू एक्स। ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको इधर ले आओगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d²x/dt² + k/m इंटू में x=0। तो ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें जो एक्स का कोफिशेंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि k/m। ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, k/m। और देखो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π/ω। ठीक है, तो t इक्वल टू 2π/ω होता है, या ओमेगा इक्वल टू 2π/T भी आप कह सकते हो। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कितनी, √k/m। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π, और ओमेगा की वैल्यू क्योंकि k/m है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m/k। फिलहाल देखा जाए तो 2π, m की वैल्यू कितनी है, 20, k की वैल्यू 5, तो इसको इससे काटोगे तो 4, और 4 का अंडर रूट कितना आएगा, 2। तो 2π हो जाएगा, 2 × 2π यानी कि 4π। तो अपना आंसर कितना आएगा, 4π सेकेंड। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर, 4π सेकेंड। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखो, ये सब मैंने आपको बस बता दिया है, डायरेक्टली टाइम पीरियड का फॉर्मूला ध्यान रखो, t=2π√m/k। 67th है, इफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंसर्टेड इन करंट कैरिंग सोलिनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड कितनी हो जाएगी। देखो, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये इजिली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और अगर आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंड्यूस हो जाते हैं, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की डायरेक्शन में ही होगी। तो एक तो सोलेनोइड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड, एक जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी जो कि उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड की। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो एज अ होल मैग्नीट्यूड है वो लार्जली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और रीजन मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है। 68, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच डायोड फ्लोज फोर। तो हर एक डायोड, देखो फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं, पहले एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक लगाएंगे डायोड D1, एक डायोड यहाँ पर लगा देते हैं D2, फिर यहाँ पर सेंटर टैपिंग कर देते हैं और आउटपुट आपको इसके अक्रॉस मिलेगा। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि जो दोनों डायोड हैं वो कब कब काम करते हैं। एक्चुअली होता है क्या है, मैंने इसको अलग से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं रेक्टिफायर पर बेस्ड। तो एक बार डायोड D1 काम करती है, एक बार डायोड D2 काम करती है। तो हाफ साइकिल के लिए D1 काम करेगी क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस होगी, दूसरी वाली रिवर्स बायस। फिर जब ये रिवर्स बायस हो जाएगी तो D2 काम करेगी, उसकी वजह से आउटपुट मिलेगा। तो ये हाफ साइकिल के लिए एक डायोड काम करती है, फिर दूसरी हाफ साइकिल की दूसरी डायोड काम करेगी। तो इन फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच ऑफ द डायोड फ्लोस फोरम, कहेंगे कि वो हाफ साइकिल ऑफ इनपुट के लिए उसमें करंट रहता है। तो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, इन अ जंक्शन डायोड द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू, वेयर एक्स इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो इनवर्सली किस पर डिपेंड करता है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट पर, के प्लेट पर इनवर्सली उनके बीच का सेपरेशन कितना है। तो जंक्शन डायोड में जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा वो जो डिप्लीशन रीजन होगा ना उसकी विड्थ के, जैसे यहाँ पर इन्वर्सली डिपेंड करेगा किस पर, सेपरेशन पर, ऐसे वो इन्वर्सली डिपेंड करेगा विड्थ पर। तो यहाँ पर 1/x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट, आपको आईसी की वैल्यू गिवन है 10 mA। इफ 90% ऑफ होल्स एमिटेड रीच द कलेक्टर, द एमिटर करंट विल बी, यानी कि हमें बताना आईई की वैल्यू कितनी होगी, जबकि 90% ऑफ होल्स जो हैं वो कलेक्टर तक जा पा रहे हैं। एक इक्वेशन होती है इसमें क्या, कि आई ई इक्वल टू होता है IB+IC के। ठीक है, और देखो करंट क्या होता है, करंट होता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहे, वही तो करंट होता है। ठीक
फिलहाल तो हमें ये दे रखा है कि 90% जो होल्स हैं वो कलेक्टर तक जा रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आईसी जो होगा वो 90% होगा किसका, आई ई का, ठीक है, क्योंकि उसमें 90% ही आ पा रहा है, तो हम लिख सकते हैं आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/90 इंटू में आईसी। सो 0 से 0 कैंसिल कर देते, 10/9 इंटू में आईसी की वैल्यू कितनी है, आईसी की वैल्यू 10 mA हमें गिवन है, तो 10 mA, तो इसको मिली एम्पियर में रहने देते हैं, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है वो सब मिली एम्पियर में ही है। अब ये कितना हो गया, 100/9, ठीक है, ये 100/9 मिली एम्पियर, तो आईसी आई आ गई है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 11.11 mA। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, 11.11 mA।